अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सैर हयात और ये हैं मेरे मियाँ जी। कैसे हैं आप मियाँ जी? बहुत प्राउड क्यों फील कर रहे हैं आज आप? अच्छा लग रहा है। ये हमारे गेस्ट हैं आज सैर हयात के चैनल पे। हमने इनको बुलाया समी रशीद को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत ज़्यादा पैसे मांगते हैं आप लेकिन कोई बात नहीं, हम दे देंगे। हम अमीर लोग हैं, हम और तरह के लोग हैं। तो हम लोग आज आए हैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने। टाइटल से तो आपको पता लग गया होगा हमारी खुशखबरी क्या है। मेरे मियाँ जी थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। शर्मा नहीं रहा, बट वो एक थोड़ा सा बता रहे हैं ना, शेयर करने लगे हैं। बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट, इतना ज्यादा लोग गेस कर रहे हैं। लोग को भी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। जब हम नहीं भी बताना चाह रहे, लोग पिक्चर्स लगा रहे हैं कि शायद कुछ। मुझे तो जिस दिन पता लगा था मेरा तो दिल था उसी दिन बता दूं। मेरे सब खुशी, मैं कह रही थी मैं बांट दूं, मेरे से खुद से हैंडल नहीं हो रही थी। बट फैमिलीज, आपको पता है कि फैमिलीज का वो सीन है कि वो नजर के भाई नजर ना लग जाए, तुम लोग रुक जाओ। हम लोगों ने तकरीबन इसका काफी, मतलब जब हमें पता चला है तब हम लोग, मतलब उसी टाइम मतलब चाह रहे थे हम लोग के बता दें सबको, बस एकदम एक्सपीरियंस पता नहीं था ना हमें तो पता भी नहीं था मेरी तबीयत किस बात से खराब हो रही है। और लाइक फ्रॉम नोवेयर इस शहर ने एकदम, हम लोगों ने डिसाइड किया कि लेट्स जस्ट टेस्ट इट आउट ना। और मतलब क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा बच्चे पसंद है। शहर को तो भाई लोगों के बच्चे, मतलब दोस्त तो चलो एक और बात है, जो जिनको हम नहीं भी जानते उनका भी बच्चा नजर आएगा ना, कोई फैन कोई प्यार करने वाला कहेगा यार ये बच्चा, तो शहर फौरन प्यार करने लग जाती है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अपनी औलाद से नवाजा। मतलब के जी, मतलब एकदम शहर गई है और शहर ने ना, मैं अंदर एंटर और शहर मुझे देख के ना एकदम शहर इमोशनल सी थी। जितने मेरे जानने वाले हैं, जो मेरी दोस्ती है, मेरे करीब है, सबको पता कि मुझे बच्चे कितने पसंद है। और मैं आगे नहीं कह रही हूँ, समीर सच है ना, समीर सच है ना। एक दफा देखें कितने डॉक्टर से हमने पूछा, पागल हो गए थे, हमने 5-6 डॉक्टर से पूछा। फोन कॉन्टेक्ट में इतने दोस्त थे और एकदम हम लोग फटाफट शहर ने मैसूर किया। अच्छा, शहर ने मुझे बताया, अक्सर ये होता है कि मतलब मुझे नहीं पता कैसे, बट मैं रोने लगा। याद है आपको, मैं इतना ज्यादा रोया, मतलब मेरा अभी भी मुझे एकदम, मैं बताते ना, अब मैं मतलब व्लॉग से पहले सोच रहा था कि यार मतलब इनका बताना है, बट अभी फिर मेरे मतलब मेरा अंदर सारा वो चीजें हो रही हैं, कैफियत मेरी ना। बट अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह ताला पता नहीं हमारी कौन सी अदा पसंद आई है, जो अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत तोहफे से हमें नवाजा है। और इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना इसे बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था। अभी तक हमारे किसी दोस्त को नहीं पता, ठीक है, किसी मतलब सिर्फ फैमिलीज में भी किनको पता है, मतलब मेरे अम्मा बाबा को, समीर को, इनके अम्मा बाबा को और बहनों को, ठीक है, और मतलब किसी को भी नहीं पता, भाई को, फहद को। ओके, सो अब ज्यादा थिंग इज कि अभी हम लोगों ने सोचा है कि आप लोगों को दोस्तों को साथ ही बताते हैं। और अभी सब दोस्तों ने, पहले तो कुछ लोग मेरे ख्याल से गालियां भी देंगे, बहुत ज्यादा डाल देंगे, मुझे पता ही नहीं था। दो तीन तो मैं पहले बता दूं कि बहुत ज्यादा लड़ने वाली हैं। शायद कॉल पे जब उनको हम बताएंगे वीडियो या हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो शायद वो उस वक्त ना कहें, बट उसके बाद पक्का शहर की बहुत लड़ाई होने वाली है कि भाई हमें क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे नहीं बताया शहर, फिर ये मसले क्रिएट होंगे। गैस लगाने वाली भी बहुत थी बीच में। हाँ, बड़े अलग अलग तरीके के गैस लग रहे थे, बड़ी बड़ी चीजें सुनने को मिल रही थी, बट हमने था कि यार अल्लाह ताला, तुम गुस्सा बहुत कर रही हो आजकल, तुम किसी से बात नहीं कर रही, तुम्हें ये हो रहा है, तुम वो हो रहा है, इस तरह किसने। अच्छा, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये बात तो है, गुस्सा तो बहुत आ रहा है। मतलब मैं समझ सकता हूँ, मतलब आप कैसे समझ सकते हैं? मैं समझता हूँ इसे, जब से शहर, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जब से एक्सपेक्ट कर रही है तब से मैं मतलब शहर को पता, रोज रात को पहले अलग रील्स चल रही होती थी या टिकटॉक देख रहा होता था, अभी सिर्फ मैं स्टडी कर रहा होता हूँ कि क्या चीज अच्छी लगती है, क्या बुरा लगता है। हालांकि मेरा भी मूड हो जाता है शहर के साथ जब शहर बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। इस व्लॉग का टाइटल भी मैं ये रखने वाला हूँ, वी आर प्रेग्नेंट। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एक मर्द भी साथ प्रेग्नेंट होता है, एक अच्छा मर्द तो एटलीस्ट होता है, बिकॉज सिर्फ एक बीवी प्रेग्नेंट इन अ वे के वो नो डाउट एक मतलब एक नई जिंदगी को इस दुनिया में ला रही होती है, बट स्टिल उसकी केयर करना उसके शोहर का ही काम है, उसको संभालना। मुझे याद है शहर, जब हमें पता चला तब कोई ऐसी ना होता है, लड़कियों को उल्टियां होती हैं, लोग चीजें, शहर को कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ द वो पेन, वो ऐसी मैं यूनिक हूं, शहर को पेन हो रही थी, तो हम लोगों ने टेस्ट किया और अल्लाह ताला ने, अच्छा मेन बात है जब वो पॉजिटिव आया टेस्ट, हम लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि टेस्ट पॉजिटिव है, ये अभी हम लोग दोनों कंफ्यूज हैं।
और हम डॉक्टर्स को भेज रहे हैं कि भाई बताओ 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 क्या सीन है क्या सीन है, बट अल्हम्दुलिल्लाह किस डॉक्टर को हमने रात का टाइम था अराउंड 1:30-2 बजे में, तो ऐसे ही मतलब फिर उसके बाद अम्मा पापा को बताया। अच्छा, हम इतने ज्यादा इमोशनल हो गए थे, इतने इमोशनल कि हम लोग ना रिकॉर्ड नहीं कर सके उस पर। हाँ अच्छा, मैंने रिकॉर्ड किया है, मैंने रिकॉर्ड किया है वो, जरा तो, व्लॉग वाला नहीं। हाँ व्लॉग वाला नहीं था, मैंने उसको जब वो रिकॉर्ड किया ना, तो ये था कि ये एटलीस्ट मेरे पास मोमेंट हो उस वक्त की ना, पहले मैं रोया फिर शहर इमोशनल हो गया। मैंने कह रही अभी ना करें, पहले कंफर्म होने दें, पहले कंफर्म होने दें। और मैंने कहा नहीं, कहा कि नहीं नहीं कंफर्म ही कंफर्म है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। और बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मियां जी, अब सबको पता लग गया, अब मैं आराम से शॉपिंग करने जा सकती हूँ, ज्यादा से ज्यादा चीजें लूंगी मैं बच्चों की, लेकिन फिर भी थोड़ा सा घर जाके अब कोई काम शाम इतना कर नहीं सकते शॉपिंग के लिए, लेकिन मैं बाहर जा सकती हूं। बाहर हां शॉपिंग के लिए जाएंगे, बट अब आप काम शाम थोड़ा सा, काम शाम क्या, मैं तो घर बैठ के काम कर रही हूँ मायम के साथ, बाहर जाने की मियां जी मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं तो घर बैठ के मायम के साथ बहुत सारे पैसे कमा लेती हूँ। मायम के साथ? यस, मायम के साथ मैं काफी पुराना काम कर रही हूँ, मायम इरफान के साथ, तो मैं घर बैठे ही काफी पैसे कमा लेती हूँ, जरूरत भी नहीं है, फिर मैं बहुत ज्यादा शॉपिंग करूंगी, इसलिए आप टेंशन ना लें। अच्छा भाई ठीक है, शॉपिंग तो वैसे यार हमें वैसे अभी शुरू कर देनी चाहिए शॉपिंग के, कोई बात नहीं थोड़ी थोड़ी तो अभी करें। अरे मुझे तो कहा है बड़ों ने कि अभी नहीं करनी, बच्चा छोटा होता है स्टार्ट में इतनी शॉपिंग करते हैं, वो माशाल्लाह बढ़ता जाता है, तो उसके साथ हिसाब से कपड़े लाने होते हैं, वो बदलता ही नहीं है। खैर शॉपिंग शॉपिंग बाद में करते हैं, मेरे दोस्तों को कॉल चल के लिए बता दें, अभी तो आपको डांट भी तो पड़नी है। हाँ डांट खा लेते हैं, मैं आपको डांट दूंगी, आपने मना किया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। किसको करें पहले आप बताएं? कमल को करें। ओके अगर इन्होंने फोन ना उठाया तो उठा लिया, इनके घर जाके दरवाजा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? याद है तू मुल्कों बाहर होने या करो? भाई दो दो ही चीजें अपनी जिंदगी में रह गई हैं। हाँ लेकिन किधर हो अभी? पहुंचने वाले हैं 2 मिनट में। अच्छा पहुंचने वाले, 2 मिनट में घर पहुंचते हैं। ओके ओके ओके। अच्छा तो यार बाबा कुछ भी नहीं, बस एक व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे थे। अच्छा हाँ, तो उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी यार। यार मुझे पहले ही बता देता, मैं बाल छाल सेट कर लेता है भाई। बाल छाल सेट लेकिन फिर भी तो ऐसा लगता है, तो मैं कहा चल रहन दो भाई, शादी हो गई आपकी बस। इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए बताओ यार। इन्फॉर्मेशन चौधरी ये चाहिए कि जब आप पेरेंट्स टू बी होते हो तो उसमें क्या चीजें अडॉप्ट करनी चाहिए और क्या नहीं। कौन पेरेंट्स होते हैं? जब आप पेरेंट्स टू बी होते हो, जब आप माँ बाप बनने वाले होते हो। कौन बनने वाला है? हम तो नहीं बनने वाले, हम तो बन चुके हैं। आप तो हमारे बन जाओ, कोई बात नहीं। हाँ आप लोग एक्सपीरियंस। हाँ जी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है यार। हाँ नहीं पेरेंट्स तो बी का तो माशाल्लाह, हम लोग तो बड़े एक्साइटेड थे, बड़े खुश थे, हम लोगों से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यार कब हम अपनी ये फीलिंग्स अपने घर वालों को बताएं और अपने दोस्तों को जो करीबी है उनको बताएं। अच्छा बस एक रिक्वेस्ट कर सकता भाई आपसे आपका? हाँ जी हाँ जी। गालियां नहीं देनी आपने अपनी दोस्त को, आपकी दोस्त आपको कुछ बताना चाह रही है। तू कौन है भाई? आप बताएं। आप बताएंगे? आप बताएंगे? अब आप दोनों फ्रेम में आ जाओ ना, जैसे हम आए हैं। अच्छा है जरा। हाँ जी भाई मुबारक हो, आप बहन फुप्पो और खाला और तू भी मामू और चाचू दोनों बनने वाला। ये बहुत बड़ी खुशी है। अभी आप लोग कब आ रहे हो वापस? यार हम लोग थोड़ी देर में ही बस ठीक है, मैं आ रही हूं। चलो आप लोग पहुंचो फिर आते हैं हम लोग। चलो आओ डन 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 डन, तू आ मैं भी मिठाई लेकर आता हूं। ओके डन 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 डन, आ जाओ। ओके ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। मुझे गालियां पड़वाएं यार। आए हाय हाय। अच्छा
चलो जी जन्नत बहन को कॉल करते हैं। यार ये यहाँ रखने आवाज नहीं आएगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जन्नत। हेलो सहर। जन्नत ये कौन सा टाइम है सोने का, क्या मतलब? 1 बज गया यहाँ पे रात का। कोई बात हाँ, नहीं अभी आप लोग वहाँ पे ही हैं। हाँ जन्नत तो जन्नत सही बात है, जन्नत तो 12 बजे सो जाती है। एक तुम्हारी क्या मतलब जन्नत, मैं तुम्हें रोज फोन करती हूँ झूठी। और बहन कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? आप बताएं आप लोग कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी बहनें कैसी, आंटी कैसी, अंकल कैसे? हाँ स्पीकर। अच्छा सब पास है? हम लोग भी बेसिकली स्पीकर पे ही हैं, जो बहुत सारी दुनिया सुनेगी। कुछ एक बात डिस्कस करनी थी आपसे। बताए हर बारी मैम तो आप थे वो। दरअसल हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं तो हम सोच रहे थे। बहुत तुमने सिंगल लड़की बन लिया, अब तुम्हें थोड़ा एक रिश्ते में तुम्हें मुब्तला कर दे हम। मेरे लिए भी बनना तो नहीं। अच्छा बहन अब आपको तुम्हें अच्छा सा बंदा दे। आमीन। अल्लाह आप सबके नसीब अच्छे करे। लेकिन बहन अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, आपने फुप्पो बनना है कि खाला बनना है? खाला बनी दोगली ना बनी फुप्पी ना बनी। नहीं नहीं आप फुप्पो बन जाए। हाँ तो खाला बनने वाली है। खैर बारी आप वो बनने वाली हैं क्या? नानो नानी नानी नानो बनने वाली है। मुबारक हो। मैं मामा को दिखा नहीं सकती, वो भी बहुत खुश है। शहर समीप बहुत बहुत मुबारक। खैर वाली बहन, बहुत ज्यादा दुआएं चाहिए आप बहनों की। ट्रीट लेनी पड़ेगी अब आपको। पसीने आ गए हैं। हमारी तरफ से ट्रीट है। जैसे आप पाकिस्तान आओगे अगले दिन हम आएंगे। वो आपको ये बाद में बताती हूँ तुम्हें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहन आप लोगों ने लाजमी आना। जाहिर है मुबारक को बहुत खैर मुबारक। तुम्हारी गुर्दी नहीं दिलवानी मैंने कसम से। बहुत तो बहुत लकी रहेगी जिंदगी सुकून में। मेरे जहन में एकदम से लीशी है, लीशी जैसा हो गया। उफ़ल्ला मेरी जिंदगी से आप बना दे। वो सामने बैठी होकर बाद में आपसे लड़ेंगी फोन पे कि तुमने मुझे ऐसा क्यों बोला। उनको भी जरूर बताइएगा सबको, और सबको कहिएगा, आंटी को खासतौर पे कहिएगा दुआओं में बहुत ज्यादा याद रखे हमें। और जब आप आ रहे हैं तो आप लोग हॉल ट्रैक घर आ रहे हैं अब। हाँ डन। इसका मुंह दिखाइए, इसका मुंह सही है? मेरा मुंह क्या मतलब? देखो देखो मुंह देखो। हम मिठाई का वेट कर रहे हैं और आप लोगों की दावत का आप वेट करें। ठीक है डन डन बहन डन डन डन। बाकी इंशाल्लाह आपको शहर अभी बाद में कॉल करती है थोड़ी देर तक। ठीक है मैं खुद डन डन। वो तो मुझे पता है आप लोगों की चलने वाली है। डन डन बहन। ओके बहन अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। काके बहुत ज्यादा क्लास होने वाली है आपकी, बहुत ज्यादा होने वाली है मुझे पता नहीं। आप बताएं। बहुत ज्यादा होने वाली। अच्छा बात सुने। हाँ। अब जेरी को भी कर ले। ठीक है। ओए हाय। हेलो हेलो बेटा, मसला नहीं है, तुमने पीछे मेरा बेटा क्यों बिठाया हुआ है? आई टी बॉल ये जो। अच्छा ये बताए बहन की आप बहुत ज्यादा ये कैट और टेडी के साथ क्यों बैठी है इस वक्त? क्या करनी थी? वीडियो बना रही थी। इन्फ्लुएंसर्स इन्फ्लुएंसर्स हर वक्त तैयार है। ये कोई हमने दूसरे वीडियो कॉल किया किचन में होता।
कोई कुछ कर रहा होता, कितना अच्छा होता हम इसको वीडियो कॉल करते घर की हालत में होती, आ हा 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 कितना मजा आता। सही, वो मेरे कहता यार सेहत मैं इस टाइम आपको अपनी शक्ल दिखा नहीं सकती, मैं कांता भाई हूँ, जवेरिया बाहर गई है। और बहन क्या चल रहा है जिंदगी में? मैचू नहीं, मेरा वो काकू नहीं, वो खा रहे। अच्छा ऑप्शन देना चाहूंगा मैं आपको दो, हम एक गेम खेल रहे हैं बेसिकली, आप रिकॉर्ड हो रही हैं, आपको पता है इस वक्त हम आपके साथ एक गेम खेल रहे हैं। ओए होए इनाम नहीं है बहन। कोई इनाम नहीं रखा, मुझे तो इनाम चाहिए, मुझे नहीं पता मुझे तो इनाम चाहिए। एक गेम खेल रहे हैं हम सबके साथ, सब फ्रेंड्स के साथ, ठीक है? तो अब ऐसे ठीक है, अच्छा अब आप ये बताएं कि नहीं नहीं हर वक्त थोड़ी करते रहते हैं, हर वक्त नहीं हम प्रैंक करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको दो ऑप्शन देने लगे हम, ठीक है? आप खाला बनना चाहती हैं या फूफो? दोगला पन नहीं चलता हमारे घर में, मुबारक हो आपको बहुत ज्यादा। लेकिन अब मैं तेरी तस्वीर कम, तेरी तस्वीर है मैंने कम देखनी है, तेरे पे ना चला जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम पे जाए बाल, तुम पे जाए बस, आजा आजा, हाँ आजा आजा, क्या करिए भी आजू? हाँ हाँ आजे बहन आजे, तो मैं आती हूँ मम्मा से, डन, मिठाई लेके आइएगा प्लीज, ठीक है? 200 रुपया खर्च कर लें प्लीज। मिठाई मुझे क्या, मुझे मुझे तो मौका चाहिए होता है मिठाई का। हाँ, हाँ, बहुत मीठे की वो मिठाई है, हाँ, मुझे याद आपको लास्ट टाइम गाजर का वजह मैंने पैक करके दिया है टिश्यू में। आप आंटी से पूछ के आ जाए, अरे तुझे अब ये शीशा मार दूंगी मैं, तेरी नस काट दूंगी शीशे से। नहीं बिल्कुल सीरियस है बहन, वो हम लोग लग रहा है हर वक्त ये मजाक कर रहे हैं। हाँ। इतने प्रैंक नहीं करते हम बहन, क्या हो गया? सहरे ने सब एक दफा पहले प्रैंक किया था, याद है सहरे? ऐसी वाली मुझे याद है, याद आ गया, याद आ गया, सॉरी बहन। नहीं नहीं वल्ला वल्ला प्रॉमिस इस बार रियल है, नहीं नहीं इस बार प्रॉपर रियल है बहन, इस बार पक्का रियल है। आप पूछ के बताएं, आप पूछें, आप लोगों को बहुत 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 मुबारक हो, दिल की गहराइयों से, ऊपर वाली लेयर से, बाहर वाली लेयर से, ठीक है मैं फिर आऊं। आ जाए आ जाए, खैरियत से आए बहन, खैरियत से आ जाए, अच्छा ओके बहन, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। रिएक्शन करते हैं, उसका भी तो रिएक्शन लेना, इसका रिएक्शन क्या आएगा? नाचना शुरू हो गई तो हेलो हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? हाय एलेक्स, हाय हाउ आर यू? ओह माय गॉड, सही से बता, इतना ओए हो, इतना तैयार हो गए, कहाँ जा रहा है? पार्टी पे। बाय द वे आप लोग मुझे इस टाइम क्यों कॉल कर रहे हैं? हमारा दिल कर रहा था कुछ अच्छा देखने का, हमने तुझे देख ली ऑन से, तो सीखा देने की सुना कैसी थी बेटा, आंटी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं यार, आगे आ जाए, पीछे क्यों बैठी हुई हैं यार? आगे इससे ज्यादा नहीं आ पा रही आप जरा, डॉक्टर ने मना किया ना कि ज्यादा आप हिल नहीं सकती। क्यों यार? ऐसे ही मैंने सोचा यार, तो बड़ा प्यार करता है हमसे, मैंने सोचा तुम्हारे बच्चे से भी बहुत प्यार करेगा ना, तुझे बता दूं। बोलो माशाल्लाह मुबारक हो, बहुत ज्यादा खैर मुबारक, मुबारक हो आप लोगों को यार, बहुत खुशी है मेरे सुन के। मैंने कहा, मैंने कहा एलेक्स, मैंने कहा सनी एलेक्स मम्मी बनेगा और ओबी बनेगा, ओबी फूफा बनेगी। हाँ ओबी को बताया आप लोगों ने? ओबी को कॉल करने लगे, तेरे बाद ओबी को कॉल करेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए आपको बहुत मुबारक हो, और जो है अल्लाह करे उसकी आंखें मेरे पे हो, क्योंकि मेरी आंखें बहुत प्यारी ते उदे प्यो दी ते मां दी नहीं प्यारी है। नहीं नहीं वो भी बहुत प्यारी है, लेकिन यू नो मेरे आपके साथ अलग प्यार है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बस बहुत सारी दुआएं और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात करते हैं, ठीक है? ठीक है ओके, कल या परसों इंशाल्लाह।
करते हैं। ठीक है ठीक है, ख्याल रखना भाई, अल्लाह हाफिज। ओके हाफिज। अब किसको कॉल करें? मिशी को। मिशी को कर लेते हैं। यार मिशी से याद है कि अब तो शॉपिंग ये सब ऑनलाइन कर रहे हैं आजकल तो। हाँ तो जैसे मैं ऑनलाइन अर्न कर रही हूँ वैसे मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लूंगी। ये उमायन इरफान वाला ऑनलाइन? हाँ उमायन इरफान के साथ। okay. आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। जो लड़कियां बाहर नहीं जा सकती, जिनको परमिशन नहीं मिलती घर से, जो घर बैठ के कमाना चाहती है, जो हाउस वाइफ है, वो भी घर बैठे पैसे कमा सकती है। और इसके लिए करना क्या? करना कुछ भी नहीं है कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी, उस लिंक पर क्लिक करें, उस फॉर्म को फिल करें और फिर उमायन इरफान आपसे खुद ही कॉन्टेक्ट कर लेगी और फिर पैसे कमाएंगे। पैसे कमाएंगे और फिर शॉपिंग करेंगे। आप लोग भी सारे पैसे कमा कमा के रख के ना मेरे बच्चे के लिए शॉपिंग करें। हाँ भाई अब तो खाली हैशटैग यूजर्स नहीं, अब तो शॉपिंग वाले यूजर्स बन जाओ सारे। शॉपिंग में एड्रेस डाल दूंगी, मुझे गिफ्ट चाहिए। मिशी को कॉल करते हैं। ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? क्या हाल है बहन, कैसी हैं आप? मैं शुक्र अल्लाह का खूबसूरत आपके सामने। झूठ हर वक्त ना बोला कर। एक तो मैंगो कलर पहन के आप खूबसूरत कह रही है। नहीं लड्डू पीला कलर। हाँ आपको खिलाने भी हम लड्डू ही हैं, आपको पता है? क्या मतलब? हम लोग शादी कर रहे हैं बहन। हमने फंक्शन बहुत कम है, थोड़े कर ले। आपने कहा फंक्शन थोड़े रह गए, बाकी कंप्लीट होते हैं। आप सुनाए कैसी है? वैसे भाई कैसे है? इस्लाम कैसे? अल्लाह का शुक्र ठीक था, आप सब ठीक ठाक। आपसे यार एक बहन टिप लेनी थी, एक अच्छी सी। इस चीज के लिए इसको भी ऑप्शंस देना। पहले टिप ले लेते हैं। अच्छा टिप दे दे। पहले टिप दे बहन ये लेनी है आपसे कि माशाल्लाह आप शादीशुदा कपल है, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस, ठीक है? अब तो आप माशाल्लाह पेरेंट्स भी हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह इतने प्यारे बेटे के। मुझे ये बताएं कि शादीशुदा जिंदगी ज्यादा अच्छी है कि पेरेंट बनने के बाद जिंदगी ज्यादा अच्छी होती है? मेरे ख्याल से पेरेंट्स बनने के, हर लाइफ का अपना मजा है, लेकिन जो बच्चे के बाद है वो एक अपना फन है। चल तू इतना कह ही रही है, अगर अब इतना कह रही है तो हम कुछ सोच लेते हैं इस बारे में। हाँ, इस बारे में सोच। चले छोड़े यार, सोच लिया बहन, सोच लिया। बताए फूफा बनेंगी खाला बनेंगी? वाकी पहले बता फूफा या खाला? मैं दोनों बनूंगी। मुबारक हो आपको, आप दोनों बन गई हैं। वाकी? हाँ जी। मुझे रिपोर्ट दिखाऊं? मुझे रिपोर्ट सेंड करे, फिर मुझे प्रैंक तो नहीं हो रहा। नहीं नहीं बहन बिल्कुल कंफर्म है। ऐसा प्रैंक तुझे पता है मुझे बच्चे कितने पसंद है, ऐसा प्रैंक करूंगी मैं तेरे साथ। इसकी तरफ कैमरा करें, ये हर कोई कहता है इसकी तरफ कैमरा करें, मेरे पे यकीन नहीं होता। वो कॉल आती है ना रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, एक सेकंड रुके बस। ओके हाँ जी बहन के लिए कर दिया। बस मेरे पे जाना चाहिए बच्चा। अच्छा शब्द इतने बेवफा बच्चे नहीं चाहिए बहन। बहन ख्याल रखना, ख्याल रखना इसका, ज्यादा ख्याल रखिएगा। आप बताए भाई आपका वैसे रखता है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे रखते हैं, हाथ पाँव नहीं लगने देते नीचे, बस ऐसे ही रखेंगे। आप बस आ जाए खैरियत से पूछे, मैं बताए हमें। मैं आती हूँ, बेस्ट हो गया। थैंक यू बहन, बहुत सारा दुआओं में याद रखियेगा बस। बहुत ज्यादा दुआएं अल्लाह ताला आप लोगों के बच्चे को, आप लोगों को सेहत वाली लंबी जिंदगी दे और नेक औलाद आपको दे। चलो यार अपना बहुत जल्द जय ईशा को कॉल करते हैं काके। कॉल ईशा। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता था कि ये मुंह पूरा नहीं आना, इसलिए दूर रखा होगा कैमरा। अच्छा समी आपका तो बड़ा आगे है। मेरा तो शेरों के मुंह बड़े ही होते हैं यार। एक मिनट, मैंने कभी कहा है मेरा छोटा है? आपका बनता भी नहीं है यार, मेरे हाथ बहुत ज्यादा अटक गए। अच्छी जा रही है यार, तुझे कब से फोन कर रही है, फोन क्यों उठा रही है ज्यादा तू तेज? मैंने शहर को पहले ही बोला, मैंने कहा इसने कैमरे पूरा नहीं ना, दूसरे घर में कैमरा लगाएगी और अपने घर में खुद खड़ी होगी बेटा ना यार, जो है लग रही है। देखा अब बहन ने करीब बैठे हुए कह दिया अब ठीक हो। मुझे भी अपने आप को कह रही है। अच्छा ईमान, लेकिन ईमान तू लग रही है वो है। यार तुम लोगों से एक बात करनी थी यार।
मैं यही कह रही थी तमाम से वीडियो कॉल किए, कोई काम होगा समीर को। हाँ बेटा वो लास्ट टाइम भी आपने मुझे छुड़वाया था, वो वकालत के केस में था जब मैं काम होगा वो मेरा प्लॉट फंसा मैं वो निकलवा दो वकालत कोई रसमलाई खानी होगी यार। यार एक दफा इसने रसमलाई खिला दी है कोई बात नहीं है। इसने सारी जिंदगी वो रसमलाई सुना अबे तुझे तो हम बात करने लगे उसके बाद हमें रसमलाइयां भेज। अच्छा है यार हम लोग ये कह रहे हैं कि तुम लोग मिठाई लेके आ जाओ फौरन अब। क्यों तुम लोग बाहर शिफ्ट हो रहे हो? तू हमसे कितनी तंग आई ईमान? क्यों यार दरअसल ना हमने ना ईमान के लिए रिश्ता देख लिया। मिठाई नहीं आएगी बैठे रहो। रिश्ता ऐसी मिठाइयां हम खाते ही नहीं है। चलो तुम लोगों को एक चॉइस देता हूँ। चलो फोपो बनना के खाला। खाला यार खाला खाला अच्छा सबके रिएक्शन पता क्या? मुबारक हो आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा। एक मिनट ज्यादा मिठाई कहाँ से मिलेगी? ज्यादा बेटा तुम लोगों ने लेके आनी है हर वक्त लालची बने रहते हैं कहाँ से मिल तुम लोगों ने लेके आनी है मिठाई। बहुत मुबारक आप बताओ अब रसमलाइयां भेजो अपने को क्या अपने को तो बस मिठाई से अपने को मिठाई से कौन लोग ने एकेडी से लिया ने तेरियां बेबी आएगा इतना सा बेटा इतना सा क्या एप्पल है वो बेबी लेना है कि जंगल पॉप्स लेने हैं आपने ईशा माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे अल्लाह की कसम इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी के और हैरानी इस बात खुशी तो ये थी अल्लाह ताला हमें औलाद दे रहा हैरानी इस बात की थी कि मतलब इस मुंह के साथ इतने कॉन्फिडेंस से बात आप कर लेते हो मतलब बड़ी बात है। अच्छा सबसे ज्यादा मजा ईशा को जुगो तो दिया पता किसको आता है? ईमान को। ईमान को सबसे ज्यादा मजा ईमान को आता है। मैं मिये को मुंह लगाना है ना दोस्तों को उसने अपने बेटे को लगाना बस मैं इसे फूफो बना दे वैसे भी ये है अभी फूफो वाली लक्चरी हम है भी एक टीम चल हाँ तो मैं हूँ ईशा के साथ नहीं, भी चल ऐसे पता चल भाई हमें खिलानी पड़ती है तो मिठाई ऑब्वियसली बादल लेके फौरन आ हमें खिलानी पड़ती है यार नहीं खुशी की बात आएंगे मर जाओ ठीक है कहती मर जाओ खुशी की बात है यार ये तो वैसे बात नहीं है कि बच्चा भी तुम लोगों के घर आए तो मिठाई भी हमें बच्चा दे देना यार उसके ईशा तुम उसकी पूरी खा लो मैंने दिल में अहद किया हुआ है कि उसके जितने यूज पैंपर है तुम्हें देने हमने जो मर्जी हो हर चीज एक तरफ ताकि तुम्हारे घर में एहसास रहे कि न्यू बॉर्न बेबी आया खुशबू आती रहे थोड़ी सी थोड़ी देर बाद ईशा को। अब मिठाई ठीक है अब मिठाई चाहिए कि पैंपर्स मिठाई चलो बहुत ज्यादा दुआओं में याद रखना और जल्दी से जल्दी मिठाई लेके पहुंचो ठीक है पार्टी करेंगे इंशाल्लाह 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 ओके टेक केयर बाय ओके बाय 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 अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज। वेरी टायरिंग सिचुएशन ये तो होगा होना बनता भी ये तो पॉडकास्ट कर लिया हमने बहुत ज्यादा थक गया हूँ मैं बहुत ज्यादा थक आपको कॉल करनी चाहिए थी वैसे मैं जी अच्छा अच्छा मेरा फोन उधर लगा हुआ मैं कैसे कॉल करती ये भी बात है। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्तों को बता दिया आप सब प्यार करने वाले को बता दिया मामू और फूफो चाचू ताया बूज
जितने जितनी बहनें हैं मेरी, जितने मेरे भाई हैं वहां पे, जो लोग देखने वाले इतना प्यार करने वाले हैं, जो बड़े हम लोगों को देखते हैं, मुझे पता है कि हम लोग जो आंटीज मिलती हैं रास्ते में, अब लोग इतना प्यार करते हैं, बस इस वक्त आप लोगों की सबसे ज्यादा दुआओं की जरूरत है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का जिक्र लाजमी रखें मुंह में, और बस हमें बहुत सारी दुआओं में याद रखें, क्योंकि जितनी ज्यादा खुशियां आपके नसीब में आती है ना, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा हसरत करने वाले भी आते हैं। बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो नहीं चाहते कि आप इतनी खुशियां आप लोगों को मिले, तो बस अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और हम लोगों को अपनी बहुत ज्यादा दुआओं में याद रखें। और अब हम कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों को व्लॉग्स ज्यादा से ज्यादा दिया करें। बस अब आपको समझ आ गई होगी कि क्यों हम व्लॉग्स इतने ज्यादा लेट करते हैं, क्यों, क्योंकि शहर की तबीयत थोड़ी सी ऑफ रहती है, तो उसके बाद काम वैसे नहीं किया जाता जैसे हम लोग व्लॉग्स कर रहे थे। बट इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छी चीजें ऐसे ही लाते रहेंगे। और अब तो आप लोगों को पता है माशाल्लाह, मम्मी टू बी, फादर टू बी, अब तो मेरे पास बहुत सारे कंटेंट है बनाने वाले, बस अल्लाह मुझे एनर्जी दे दे थोड़ी सी। आमीन आमीन, बस दुआ करें अल्लाह इसको बहुत ज्यादा सेहत तंदुरुस्ती दे, हमारे खाके को आने वाले को सेहत तंदुरुस्ती दे। अब इंशाल्लाह आप लोगों के लिए भी बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं ना, बहुत ज्यादा इवेंट्स आ रहे हैं आगे, निकाह एनिवर्सरी भी आ रही है हमारी, साल आने वाला हमारे निकाह को नेक्स्ट मंथ, और उसके बाद कितनी जल्दी वक्त गुजरा है यार, वैसे वाकई का क्या है, बहुत जल्दी गुजरा है। कहानी सुनो से चलते चलते कहानियां और जिंदगी, दूसरी कहानियां सुना रहे हैं बाप फिर पता नहीं लगना, फिर आपको अगली कहानी दिखा देनी है। हाँ वो भी आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह खैर करे, तो बस दुआ में बहुत ज्यादा याद रखें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, जो कि हम हमेशा भूल जाते हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, नोटिफिकेशन दबा करें, ताकि आप लोगों को अपडेट्स नई नई मिलती रहे। तब तक के लिए हम दोनों को दुआ में याद रखें, सहमीज को दुआ में याद रखें, आपकी सैर हयात, आपका प्यारा भाई समीर रशीद, आपकी प्यारी बहन सैर हयात, सॉरी बाद में लेंगी, मुझे प्यारी नहीं बोला, खुद को प्यारा बोला। और सब दोस्तों का जिनको कॉल किया और जिनको नहीं कर सके, बहुत सारे और अच्छे दोस्त हैं जिनको नहीं कर सके, बिकॉज कुछ को कॉल की नहीं मिली और कुछ का भी माइंड में फौरन नहीं आया, ऐसा कोई प्लान नहीं था हमारा इस तरह, बट हमने मौके पे कॉल कर लिए बस, लेकिन उनको हमारी मिस कॉल चली गई होगी जब हमने किया ना उठाई नहीं। हाँ हाँ ये, और कुछ को नहीं कर सके जिनका नहीं माइंड में अभी रहा, बट सब दोस्तों का, सब प्यार करने वालों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको अगले ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।